बड़ा चैनल है, मतलब एक्सपीरियंस ना मारते थे यार, रहो तब पापा ने नहीं इसको पता नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इट्स योर ट्रैवल विद डीसी एंड टुडे इज द डे व्हेन वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, 75th इंडिपेंडेंस डे। आज जा रहे अपने स्कूल, स्कूल पे एक व्लॉग बनाते हैं, मस्तन सा सबको मिलाते हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड है उनके लिए स्पेशल व्लॉग, स्पेशली मेंशन करूंगा तो दैविक के लिए, क्योंकि हम लोग साथ में होते थे इंडिपेंडेंस डे पे, तो ये बार वो नहीं है, सारे मेरे दोस्त नहीं है, सो एक छोटा सा क्लिप बनाएंगे रोजरी का। रोजरी भी हम लोग को छोड़े हुए, मतलब पास आउट हुए हुए 4 साल हो गए, सो ध्रुव आ गया है अभी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल दे, इंडिपेंडेंस डे। सो फटाफट से रोजरी निकलते हैं, मैं फ्लैग होस्ट करते हैं, थोड़ा रोजरी घूमते हैं, रोजरी दर्शन कराता हूँ। जस्ट अभी फ्लैग होस्टिंग सारा प्रोग्राम खत्म हुआ एंड थोड़े थोड़े फुटेजेस ले रहे हैं टीचर्स के साथ, जो टीचर्स कंफर्टेबल है। एंड मीट माई ब्रदर रेजिन क्रिस्टी। यो मैन, आपको बताओ तो ये है मॉडल, पिक्चर में एक्टिंग करते हैं। तो हम लोग साथ में थे आई थिंक स्कूल में फॉर 7 to 8 years, उससे भी ज़्यादा स्पोर्ट्स में भी साथ में, हर जगह साथ में। रेजिन लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी होगी, बहुत सारे डांस थे। मैम लोग हाई कौन है, हाई कौन है मैम, हाई कौन कहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल में ट्रैवल विद डीसी, हमारे स्कूल में ऑल स्टूडेंट्स मीट द न्यू इन्फ्लुएंसर शैली पटेल, शाउट आउट सब्सक्राइब कर देना क्या, शैली पटेल, शैली पटेल ही नाम है, गोलू मोलू लॉग, शैली का स्पेलिंग प्लीज लिख देना, गोलू मोलू लिखोगे तो भी आ जाएगा। सो गाइस इफ यू रिमेंबर दिस प्लेस, फुटबॉलर्स विल कनेक्टेड। सो गाइस दिस इज अ फुटबॉल ग्राउंड, रिसेस ले लो फुटबॉल प्लेयर्स के लिए, टूर्नामेंट्स ले लो, ये पेवेलियन ले लो, यहाँ पे लंच बॉक्स से खाते थे। तो फ्रेडरिक क्या बोल रहे हैं आपको स्कूल के बारे में? स्कूल काफ़ी बदल गई है, पर अब तो रोजरी स्कूल जैसी भी लगती रही है। एंड कैरेक्टर आपको क्या बोलना है? स्कूल ऐसे एकदम बदल गई है, हम जब कर आया करते थे तब कुछ और था। तुम भी तो बदल गए हो भाई, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, स्पेशल परमिशन ले ली हमने, और अभी जा रहे ऊपर, ये प्रिंसिपल की ऑफिस है भाई, इंटूस। ओके सो दिस इज द कोको कोला का श्री मुस्तफा पटेल, रिमेंबर दिस कंप्यूटर लैब, अरे मतलब एक्सपीरियंस ना मारते थे यार, रहो तब आप आने ना, एंड दिस इज फॉर हायर सेकेंडरी। लेडीज वॉशरूम, दिखाने का मतलब नहीं है। फोर्थ भी हमारा क्लास, सो नो डाउट हम लोग बड़े हो गए, बट अभी भी बेंचेस पे तो फिट होते हैं। एंड ये बेंच हमारे क्लासमेट था रुशिल, उसकी थी, और हर्षिता उसकी पार्टनर थी, आई नो। एंड दिस इज फॉर दैट, किसी को डायरेक्ट नीचे से कूदना हो तो वो उधर से जा सकता है। आई एम ना टीचर की ऑफिस, अभी चित्रा टीचर की थी, अभी पता नहीं क्यों की है। हायर सेकेंडरी स्टाफ रूम, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी, एंड दिस इज इरेंडल, ये सब बदल दिया, ये सारी चीज़ बदल दी इधर। सम्स आर ऑल्सो हियर, याद है जब भी इधर से मैच होती थी वॉशरूम, तो इधर से देखते थे नीचे लोग हम लोग।
क्लास की एक याद बता दें। उदरण तू याद क्लास में आता तो तेरे ये क्लास की याद बता। अबे वो सिंगिंग कंपटीशन के वक्त मोबाइल लेके अपने वीडियो उतार रहे थे, फिर कैमरा तोड़ा था किसी ने। अच्छा कैमरास भी यहाँ है राइट। शैली तेरी ये क्लास की एक याद बता। हाँ एक ये क्लास की एक छोटी सी याद बता। ये क्लास की नहीं वो क्लास की है। तो वो क्लास में जाके अपने वीडियो लेते हैं। वो ये क्लासेस नाइन्थ है ना ना टेंथ है क्या? चेंज हो गया, पहले नाइन्थ इधर होता था। अच्छा टेंथ ही इधर था। आठ रूम क्लास का एक बार एग्जाम का इधर आया। एक हमारी मेमोरी थी आठ रूम में कि पूरा हमारा क्लास की एक साथ एग्जाम एक ही क्लास में आई। सिंगिंग प्रैक्टिस भी तो उधर करते थे जिसमें। हाँ थोड़ा चेंजेस हो गए दरवाजों में। एंड ये संदीप भाई यार दरवाजे क्यों लगा दिए सिर्फ इसमें, बाकी किसी में नहीं। अभी भी याद है बीमल सर बोलते थे कि ये पिक्चर को देखो और फिर पीछे मारते थे। सो मैं बीमल सर का एक रेप्लिका कर रहा हूँ, वो कैसे कर मारते थे हम लोग। इसको पता ये क्लास सो ये क्लास से सबसे बड़ी मेमोरी है कि सब लोग इधर ही, हम लोग यूनिटी एक हुई थी। मुनिया टीचर का क्लास था ये और इधर ही सारे हमारा पूरा क्लास एक हुआ था। बेस्ट क्लास बेस्ट। और याद मेरे को याद अभी भी कि एक्स्ट्रा एक बेंच होती थी और ये पूरी बेंच एक साथ साथ में कर देते थे एकदम। दिस इज नाइस, जिसकी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू वो मंथ में वो लोग का नाम लिख देने का बेस्ट। तो गाइस जस्ट अ व्यू ऑफ ग्राउंड फ्रॉम हियर। एडवांस हो गए रोजरी, प्रोजेक्टर भी डाल दिया इधर। हमारे जाने के बाद फायर सिस्टम मतलब फायर सेफ्टी डाली। रेंज डायरेक्ट मेमोरी क्या कोई पन्ना नहीं, शॉर्ट शॉर्ट मेमोरी है। आ नीचे देखा ट्यूबलाइट है यहाँ। हाँ यहाँ अगर ट्यूबलाइट आती है हम लोग यहाँ कैच कैच रमता था। तो जानी जो सत्यन सर क्यों क्या ट्यूबलाइट थी बच्चों हमें बे ट्यूबलाइट हो रहे थे। सत्यन सर अगर आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो तो सुन लेना। तो ये सांता क्लॉस मेरे टाइम से है, आज हो गए 6-7 साल, अभी भी ये पेंटिंग ऐसी है। और ये हमारा क्लास था रॉय सर का क्लास। ये क्लास में आई थिंक मैं आ रहा हूँ कुछ 6-7-8 ईयर्स के बाद। ये क्लास के हमारे क्लास है 6th बी, ये क्लास है सुवर्णा टीचर थे 6th स्टैंडर्ड। ये क्लास में से मेरा फुटबॉल है सब चालू हुआ पूरा। तो दिस इज द प्राइमरी सेक्शन छोटे बच्चे। ये मेरा मैं पहले सेकेंड सी में था, जब मैं सेकेंड सी में इधर आया था। थोड़ा लाइट वाला क्लासरूम तो ले लेता। अच्छा फिट हो रहा है। अबे यहाँ पे बैठता, इसमें नहीं था वो नीचे वाला। हाँ चलो अभी वही तो देखना है। वीडियो है डेरन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। और ये क्लास की सबसे बेस्ट पार्ट ये था, ये वाला बोर्ड जितने भी पेंटिंग बनाओ इधर डाल देते थे। अरे वो यार गुजराती में शीतल टीचर करवाते थे। हाँ फोर्थ 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 स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड मंच मंच है अंदर कचरा है। चौक चौक होते मंच के डब्बे में चौक। स्टाफ रूम प्राइमरी ऐसे ही हम लोग घूमते थे जब कपल्स होते थे। और एक टाइम पे इधर एक फ़ोन दिया करता था, तो घर पे फ़ोन करना तो एक पैसा डालो एंड वो फ़ोन पे कॉल कर सकते थे हम लोग। घर पे आ गए हम। आज का इंडिपेंडेंस डे यादगार था, बहुत यादगार है बहुत। मतलब पहले तो कोविड की वजह से 3 साल बाद हम लोग सब मिले, बहुत सारे पुराने लोग मिले जो नॉर्मली नहीं आते थे, बट इतना टाइम बाद आए। 75th इंडिपेंडेंस डे था तो बहुत सारे लोग मिले,
बहुत पुराने पुराने लोग मिले। ब्लॉग में भी आपको इतना पता नहीं चला होगा पर बहुत ही एंजॉय किया हम लोग ने। जस्ट अभी 12 बजे घर पे आए। सो इंडिपेंडेंस डे ऐसे ही जा रहे हैं, अब एक नॉर्मल रैली है उधर जाने वाले हैं, पूरा दिन यही चलेगा, एंजॉय करेंगे। सो मैंने सोचा कि ये ब्लॉग सिर्फ स्कूल तक रखता हूँ और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको शेयर भी करने वाला हूँ मैं कि आप देखो एक बार, आप एंजॉय करो, ये चीज़ स्पेशली आपके लिए थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं लद्दाख के ब्लॉग में। ये ब्लॉग थोड़ा बीच में आया लद्दाख के सीरीज़ के अंदर, क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे है, 75th इंडिपेंडेंस डे है। सो बाय बाय।